मैम स्क्रीन प्रिंटिंग चार्जेस। देखो लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। स्क्रीन प्रिंटिंग चार्जेस, टेन थाउजेंड है। फिर क्या है देखो, इसके अलावा और क्या ऐड करेंगे इसमें? टोटल करो कितना आ रहा है टोटल। मैम 15,30,000। 15,30,000। ओके फिर क्या लिखना है इसमें देखो, ट्रेड डिस्काउंट देंगे आप लोग, इसको लेस करो, क्वेश्चन में दिया है देखो। ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया है तो 15,30,000 पे दोगे कि 15 लाख पे दोगे बताओ। ये देखो 10% ऑन सप्लाई प्राइस दिया है, सप्लाई सप्लाई कितने किस पे कर रहा है देखो, 15 रुपए पे 1 लाख टाइल्स का, तो 10% यानी ये 1,50,000 पे जाएगा, सॉरी 15 लाख पे जाएगा, 10% 1,50,000। जिसका फर्स्ट क्लास है आज रिलैक्स करके बैठो, नेक्स्ट क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको माइनस करो 15,30,000 को 1,50,000 से, ओके मैम क्या आएगा? मैम 13,80,000। 13,13,80,000 ठीक है। नेक्स्ट yes, ये हो गया टैक्सेबल वैल्यू। क्या क्वेश्चन में निकालने बोला है देखो, इनवॉइस कैलकुलेट करने बोला है कि क्या कैलकुलेट करने बोला है बताओ। चलो ऐड करो जीएसटी पेबल, कितना परसेंट लेंगे बताओ। मैम 9.9 सीजीएसटी लेंगे, कितना आएगा अमाउंट बताओ। 1,24,200 दोनों में। दोनों में यस मैम उतने यार, दोनों का टोटल करोगे तो आएगा 2,48,400। टोटल कर दो, इनवॉइस हो गया 16,28,400। ये आया था आपका टैक्सेबल वैल्यू। और ये आ गया आपका टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस। देखो जिसका भी फर्स्ट क्लास था उसके लिए मैं बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से सेम रहेगा कॉन्सेप्ट। देखो जीएसटी सॉल्व कर रहे हैं अपन, अगर हम सेम स्टेट में देंगे, अपने ही स्टेट में दे रहे हैं, जैसे सीजी का सीजी है, बॉम्बे का बॉम्बे में, सॉरी महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में जा रहे हैं, चाहे नागपुर से होकर मुंबई जा रहे हैं, स्टेट अगर सेम है तो जो जीएसटी होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे इक्वल पार्ट्स में, एक हो जाएगा सीजीएसटी और एक हो जाएगा एसजीएसटी, मतलब सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी में, और इक्वल इक्वल हो जाएगा। देखो जैसे इस क्वेश्चन में 18% दिया था
तो हमने इसको इक्वल दे दिया 99%, क्योंकि ये सेम स्टेट की बात हो रही है। अमाउंट जो भी देगा क्वेश्चंस में, जो अमाउंट ऐड नहीं है और आपको क्वेश्चन में बताता है कि वो ऐड नहीं है, उसको ऐड करेंगे और इसको लास्ट में जीएसटी पे कर देंगे। सिंपल। नेक्स्ट देखना आप, ये देखो कोको कोला वाला दिख रहा है क्वेश्चन? यस मैम दिख रहा है। देखो मैं जूम कर रही हूँ, है ना, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से, हिंदी वाले हिंदी में लो और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। मैम मुझे स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है। क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा है मैम? क्यों, रिकनेक्ट करो बेटा। श्वेता आपको प्रॉब्लम हो रहा है, रिकनेक्ट करो, लीव करके तुरंत ज्वाइन करो जल्दी से। बाकी सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम। हाँ मैम नहीं दिख रहा है, शुरू से नहीं दिख रहा है, बार बार ना कनेक्ट टूट जा रहा है। नेटवर्क इश्यू होगा बेटा। तुम्हारे पास नंबर है मेरा? यस मैम। है कौन से मीडियम वाली हो? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम वाली, मेरे को पिंग करो व्हाट्सएप में जल्दी से, मैं आपको क्वेश्चन भेज रही हूँ। क्या बोले मैम? व्हाट्सएप में एक मैसेज करो मुझे, मैं आपको क्वेश्चन भेज रही हूँ। ये देखो, कोको कोला एक शीतल पेय निर्माता कंपनी है, यह अपना माल वितरकों को माह दिसंबर में इस प्रकार पूर्ति करती है। देखो 300 ml की बॉटल्स कितने रुपए में दे रही है? देखो 5,00,000 रुपए प्रति बॉटल, ठीक है। थोक मूल्य कितने रुपए दे रही है? 8 रुपए। बोतल की लागत कितनी लिखा है? 2 रुपए। खाली बोतल वापसी योग्य है, मतलब देखो ड्यूरेबल पैकिंग और रिटर्नेबल पैकिंग। फिर देखो वितरकों को 4,20,000 खाली बोतलें ही वापस किए हैं। फिर देखो ये कोलकाता का हो गया, सेकेंड भी सॉरी कोको कोला का, ये ऊपर वाला 300 ml का था, नीचे देखो 1500 ml का। नेक्स्ट देखो उसमें कितना लिखा है, 1500 ml की बोतलें, कितनी बोतल है देखो 1,00,000 बोतल, और प्रति बोतल कितना प्राइस दे रहा है इसमें देखो 35 रुपए का दे रहा है। प्लास्टिक की बोतल की लागत कितनी है? 3 रुपए। खाली बोतल टिका हुआ है, मतलब ड्यूरेबल या रिटर्नेबल बोलते हैं जो हमेशा रहती हैं, लेकिन वापसी योग्य नहीं है। अच्छा देखो ऊपर वाली क्या थी, वापसी योग्य थी, और ये वाली वापसी योग्य नहीं है, तो ये रिटर्न नहीं जाएंगी। नेक्स्ट देखो, कंपनी द्वारा बीजक में खाली बोतलों की लागत एवं ये नेक्स्ट देखो उसके बाद की ये एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स नहीं सॉरी एक्सपेंसेस की, परिवहन व्यय मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एक्सपेंसेस 28,000। फिर देखो प्लास्टिक बॉटल्स किसमें डिस्चार्ज की गई, डिस्पैच पैकिंग कार्टून्स में। फिर इसके लिए कितना एक्सपेंस हुआ, 40,000 का एक्सपेंस हो रहा है पैकिंग का। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है इसमें, वितरकों को 3% डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी ने 300 ml की बोतलें, 20,000 बोतलें ग्राहकों को सैंपल के रूप में बिना मूल्य बांटी है, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 20,000 बॉटल्स ऑफ 300 ml एट फ्री ऑफ कॉस्ट टू कंज्यूमर्स एज सैंपल। जीएसटी पेबल दिया है 28%, स्टेट कॉम्पनसेशन सेस दिया है 15% इज ऑल्सो पेबल, कॉम्पनसेशन सेस भी दिया है इज ऑल्सो पेबल। पहले यहाँ पर देखो आप अपने क्वेश्चन में, जो एक्सपेंस देता है उसको चुपचाप ऐड करना है आप लोगों को। ये देखो सब साथ में बनाते चलो, पर्टिकुलर बनाओ, एक एक बनाओगे अमाउंट का। नेक्स्ट देखो फर्स्ट पॉइंट, देखो कौन सी एमएल की बॉटल्स हैं कोको कोला की, 300
300 ml बॉटल से एक देखो बॉटल्स हैं 5 लाख, उसका प्राइस दिया है कितने का देखो, कॉस्ट होलसेल प्राइस पर बॉटल 8 रुपीज करके दिया है। उसके बाद देखो क्या कर रहा है, ये कॉस्ट ऑफ बॉटल कितना दे रहा है, 2 रुपीज, वो रिटर्नेबल है तो उसको रिटर्नेबल को साइट करो। 300 ml की जो बॉटल्स हैं, ये 5 लाख बॉटल्स हैं, और नीचे देखो सैंपल्स में भी बांटा है 300 ml की कितनी बॉटल्स, 20,000, तो 5 लाख और 20,000 कितना हो जाएगा, 5,20,000 हो जाएगा, इंटू करो 8 से कितना आया बताओ, 41,60,000 आ रहा है सबका इतना। यस मैम। नेक्स्ट देखो सेकेंड वैरायटी लिखो, कोको कोला करके लिखना, कितने ml की बॉटल है, 1500 ml, ये हो गया ठीक है। नंबर ऑफ बॉटल्स थी 1 लाख, एक का प्राइस कितना है उसमें देखो 35, तो बताओ कितना आएगा, 35 लाख। यहां तक समझ में आया सबको, बताओ यहां तक डाउट है किसी को। मैम सब रिप्लाई नहीं करते, एक ही दो लोग हाँ यस मैम नो मैम। तुमको समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। देखो ट्रांजैक्शन वैल्यू टोटल करो बेटा, 41 और 35 लाख हो जाएगा 76। मैम 45 लाख 10,000। बेटा ये 35 लाख है, 3,50,000 नहीं है, 76,60,000। यस मैम इतना आ रहा है। फिर देखो इसमें ऐड करोगे एक्सपेंसेस, पहला क्या है, फर्स्ट में लिखना कॉस्ट ऑफ बॉटल, ब्रैकेट में लिखो रिटर्नेबल है, जो वापसी योग्य होती है तो उसकी अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी। कितनी थी बॉटल्स, 300 ml की, इसमें तो मेरे ख्याल से नहीं था रिटर्नेबल का, नेक्स्ट देखो उसमें क्या लिखा है, 1500 ml वाला देखो, नॉन रिटर्नेबल थी, कितनी बॉटल्स थी, 1 लाख, एक बॉटल की कॉस्ट कितनी है उसमें देखो 3 रुपीज, तो 1,00,000 × 3 कितना हो गया, 3 लाख। फिर कॉस्ट ऑफ कार्टून्स देखो, उसका दिया है पैकिंग का आपको, ये देखो कौन सा पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट, प्लास्टिक बॉटल्स वेर डिस्पेस्ड इन पैकिंग ऑफ कार्टून्स, कितना दिया है देखो उसमें, 40,000 दिया है। यहां तक क्लियर है सबको? फिर देखो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया है,
जितने भी एक्सपेंसेस हैं ऐड कर लो, कितने हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देखो, ₹28,000 है, फिर ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या है देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम भी दिया है, देखो जो फर्स्ट पॉइंट था ये वाला, खाली बोतल वापसी हो गए हैं लेकिन वितरकों ने 4,20,000 खाली बोतलें ही वापस की। देखो इसमें ये वाला पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया, किसी को डाउट नहीं आया कि मैंने इसको ऐड क्यों नहीं किया करके? मैम पूछना था भाई अभी। देखो एक चीज याद रखना, जो रिटर्नेबल पैकिंग होती है याद रखना, ड्यूरेबल मतलब जो रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, और रिटर्नेबल वापसी योग्य, उसका कॉस्ट हर बार नहीं लगता है, क्योंकि देखो वो वापसी योग्य थी तो जो मैन्युफैक्चरर होगा जब उसने स्टार्टिंग में ही बॉटल्स बनाई होंगी तभी उसने उसकी कॉस्ट डाल चुका है, वही चीज जब वापस है वो फिर से वॉश होंगी, फिर से उसमें दूसरा क्या कोल्ड ड्रिंक डलेगा और वापस आएगा, तो वो जो रिटर्नेबल है वापसी योग्य है वो तो एक बार बन गई, उसकी कॉस्ट एक बार जुड़ चुकी है, तो बार बार उसकी कॉस्ट को क्यों जोड़ेंगे आप बताओ? जब वो रिटर्नेबल है, वो वापसी योग्य है तो उसकी कॉस्ट नहीं जोड़ी जाती है। ये मैंने आपको कस्टम ड्यूटी जब अपन सीमा शुल्क करते थे ना, रिटर्नेबल पैकिंग होती थी वापसी योग्य पैकिंग, तो उसका कॉस्ट मैं ऐड नहीं करवाती थी, याद आया आपको? यस मैम। सेम वही, तो जो रिटर्नेबल पैकिंग है वो ऐड नहीं होगा, लेकिन जो सेकंड पॉइंट में था इसमें क्या लिखा है कि ये जो बॉटल्स थी ड्यूरेबल थी मतलब टिकाऊ थी लेकिन वापसी योग्य नहीं थी। टिकाऊ है तो वो यूज करें अपने पर्सनल के लिए, फेंक दें वो जो भी करें, लेकिन वापसी योग्य नहीं थी इट मीन्स इसलिए उसको ऐड किया है पैकिंग के कॉस्ट में। लेकिन जो चीज वापसी योग्य होती है तो उसका कॉस्ट अपन नहीं जोड़ते हैं, उसके अलावा जितना भी कार्टून चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी है सब ऐड करोगे किसमें? 76,60,000 में। टोटल बताओ मेरे को कितना आया? 3,76,000। 3 लाख टोटल करो बेटा 76 लाख में। मैम 80,36,000 यही आ रहा है सबका? Yes, ma'am. लेस क्या करेंगे? देखो ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ट्रेड डिस्काउंट देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, 3% ट्रेड डिस्काउंट टू डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑन होलसेल प्राइस, तो होलसेल प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कितना दे रही है? 3%। तो 3% किसका निकालेंगे बताओ? होलसेलर्स को। देखो सब कुछ होलसेलर्स को ही वो दे रही है, तो 76,60,000 का जो अमाउंट निकाले थे स्टार्टिंग में का 3% निकालो कितना आएगा? 2,29,800 बोलो सतीश, कुछ डाउट था? नो मैम। क्लियर है? यस मैम। आगे देखो, माइनस करो, ये हो गया टैक्सेबल वैल्यू, आया आंसर सबका इतना? यस मैम। कोई डाउट है किसी को?
जिसकी फर्स्ट क्लास है सिर्फ ऐसे दो तीन क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा आपका। मैम मैम इसमें अब इनवॉइस वाइज इनवॉइस प्राइस जो होता है उसे कैलकुलेट करने नहीं बोला है, तो जीएसटी के कैलकुलेशन अपन अलग से करेंगे। हाँ करो, सेकंड कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल। देखो अगर तुम लोगों को इतना ही कंफ्यूजन हो रहा है ना एग्जाम में क्या करना है क्या नहीं करना, चुपचाप इनवॉइस वाला ये जो अपन बनाए हैं ना टैक्सेबल वैल्यू यहाँ तक का एक बना के आना, फिर सेकंड बनाना जीएसटी पेबल का, आ रहा है समझ में, और एक तीसरा बना देना इनवॉइस का, उसमें टैक्सेबल वैल्यू में प्लस कर देना जीएसटी, आपका इनवॉइस आ जाएगा। अगर आपको इतना ही डर लग रहा है एग्जाम में तो गलत नहीं होगा, आंसर तो सही ही होगा आपका। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? यस टेंशन ही खत्म करो, चलो जीएसटी पेपर लगाओ। कितना परसेंट लगाने बोल रहा है देखो, 28% सीजीएसटी, 14% दो, फिर से वही आएगा 10,92,868। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा एस जी एस टी 21,85,736 आएगा टोटल। 21,85,736 हो गया। अब देखो इसमें क्या करने बोला है, कॉम्पनसेशन भी लगाने बोला है। बिसाइड्स इसके अलावा शीतल पेपर 15% राज्य क्षति प्रति उपकर भी दे है। देखो बिसाइड्स दिस स्टेट कॉम्पनसेशन सेस 15% इज आल्सो पेबल। जब भी कॉम्पनसेशन ये क्या बोलते हैं सेस वर्ड यूज करता है तो याद रखना ये टैक्स के ऊपर लगता है। सीई डबल एस वर्ड किस टाइप का भी हो जब भी ये लगेगा तो आपको इस बात का ध्यान देना है उसमें कि वो टैक्स की अमाउंट पे ऊपर लगेगा। इस पे कितना परसेंट बोला है, 15% पे, तो 218,5736 का 15% बताओ। मैम 2185 इसका उत्तर ही आएगा मैम वो। एक सेकंड रुको। Besides this compensation says at 15%। अच्छा compensation says है ना, सुनो इस पे निकालो 78 पे निकालो compensation। हम 11,70,930। हाँ ये आएगा। IGST होता तो मैं उसपे ऐड करवाती। ये सेस वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, बुक में प्रिंट मिस्टेक है, क्योंकि अगर सेस वर्ड अगर वो यूज कर रहा है इट मींस वो गलत कर रहा है। चलो इलेवन 7,0930 इतना ही आ रहा है। यस मैम ठीक है, चलो टोटल करो। 33,56,666 ठीक है।